أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله النبي الامين وعلى اله واصحابه وازواجه وسلم تسليما كثيرا فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفس بسم الله الرحمن الرحيم الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر محترم ناظرين وسامعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته हकूक़ व इस सीरीज़ में आप तमाम का काकबाल हैं जो मौजू हमारा चल रहा है अमीर हाकिम के हकूक़ के सिलसिले में आज का जो हमारा मौजू है अमीर के फ़राज़ मनसबी मुस्लिम हुक्मरान के फ़राइज व वाजिबात अगर जाम मख्तर अंदाज में अगर बयान किया जाए तो उसके लिए हज की आयत नंबर इकतालीस जो है काफ़ी हैं अल्लाह ताली ने फरमाया लदीना मक्कन्ना फिलाम ये वो लोग हैं अगर ज़मीन में उनके पाँव जमा दें यानी उन्हें इकतदार अता किया जाए हुकूमत अता की जाए तो अल्लाह ने कहा वो पूरी पाबंदी से नमाजें क़ायम करें जक़ात दें भलाई का हुक्म दें और बुराई से रोकें तो ये चंद अहम फ़राइज का जिक्र जो है अल्लाह ताला ने किया है ये फ़राइज़ हैं जो हुक्मरानों पर आयद होते हैं कि वो अक़ीदा सही अकीदे मनहज पर रहते हुए नमाज की पाबंदी खुद करें रियाया को जो है पाबंदी कराएँ ज़क़़त है इस्लाम का एक अदीम रुकन है इसी तरह भलाई हर भलाई का हुक्म दे हर बुराई से रोकिए तमाम दीन का जो है ख़ुलासा इसमें आ गया। अलब इमाम अबूसन मावर्ती रहमतल्लि इसी तरह इमाम अबू आला काजी अबू या रहमतल्ला ने अपनी अपनी किताबें जो अहकाम सुल्तानिया के नाम से मशहूर वरूफ़ हैं दस जो है फ़राइ़ जिक्र किए इमाम के हाकिम के दस फ़राज़ का उन्होंने जिक्र किया है जिसका ख़ुलासा मैं आपके सामने पेश करता हूँ सबसे पहला फरीदा ये है कि दीन की हिफाजत हो दीन की हिफाजत हो दीन का दिफा हो और दीन की तालीम लोगों को दें दूसरा जो फरीदा जिक्र किया गया है कि शरी कवानीन को नाफिस करें और, और इंसाफ का काम करें तीसरा फरीदा कहते हैं मालो जान इज़्ज़त आबरू की हिफाजत और अमन व अमान का क़ियाम होना चाहिए चौथा फरीदा शर्ी सज़ाओं का नफाज जो सजाएँ ताला ने मुकर की हैं गार मुजरमों के सिलसिले में उनशी सज़ाओं को नाफि किया जाए और मुजरमों की सरकोबी करना पाँचवा फरीदा फ़ौज और इसल का इंतजाम और दारम का दिफा इस्लामी हुकूमत इस्लामी कंट्री है तो उसका दिफा करना चाहिए छठा फरीदा कहते कुफ़ार महारबिन के ख़िलाफ़ कताल का इंतजाम जंग का इंतजाम जो इस्लाम के खिलाफ आएँ रुकावट बने अल्लाह उसके रसूल दीन के खिलाफ उनके खिलाफ जो है, खिताल और जंग की तैयारी उसका इंतज़ाम सातवां फरीदा कहते हैं सरकारी खजाने की हिफाजत और इस्लाम के माली निज़ाम का क़ियाम होना चाहिए आठवां फरीदा कहते हैं कौमी ख़जाने पर अमानत दार माहरी का तकरूर करना कौमी जो ख़जाना होता है उस पर जो अमानत दार हों अमीन हों माहिर हों उनको मुतिन किया जाए उनका तकरूर होना चाहिए और दसवाँ आखिरी फरीदा कहते हैं आवाम की हालत से बरह रास्त बाबर रहना रियाया के सिलसिले में जो है बा, बाखबर रहना चाहिए वाकिफ़ रहना चाहिए, उनके हालतें क्या हैं उनकी क्या मजबूरियाँ हैं उनके क्या हकूक़ हैं उससे बाखबर रहना चाहिए दस जो हैं फ़रज़ का जो है अबू याला अलमावर्दी और इमाम अबूयाली रमत आलि ने जिक्र किया अपनी किताबों में अगर हुक्मरान के फ़रज़ वाजिबात को बुनियादी तौर पर अगर हम तकसीम करें तो उसकी दो सूरतें उसकी दो शक्लें जो हैं बनती हैं जिसका ने ज़िक्र किया एक है अख़ामत दीन और दूसरा है सियासत मदन मैं इन दोनों के मुख्तर अंदाज़ में जो है वजाहत कर देता हूँ अकामत दीन दीन को कायम किया जाए दीन पर सही तौर से अमल किया जाए उसकी कई सूरतें जो है बनती हैं सबसे पहले ये अल्लाह ताला ने जो शरीयत जो क़ानून अल्लाह ताला ने नाजिल किया है किताब व सुन्नत के रोशनी में और जिसको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में नाफिस किया और आपके बाद खुलफ राशिदीन ने उनके बाद दीगर जो भी मुसलमानों के हुक्मरान बने साहबा में से ताबइन में से तब ताबिन आई और आज भी जो लोग सही दीन पर सही इस्लाम पर बाकी हैं और अल्लाह की शरीत को नाफ़ कर रहे हैं तो ये पहला अवलिन फरीदा है इकामत दीन के सिलसिले में कि शरीत को नाफ़ करें इमाम जो इमाम बनेगा अमीर बनेगा हाकिम बनेगा तो जहाँ भी जहाँ जिस खत्े का वो अमीर हैं हाकिम हैं किताब सुन्नत के क़ानून को नाफिस करें नमाज और ज़कवा़ के सिलसिले में जो है नमाज़ का अहमाम हो ज़वा़त की अदायगी पर लोगों को जो है पाबंद बनाएँ और इसी तरह दीगर जो इस्लाम के शायर हैं अहकाम हैं उसकेम के सिलसिले में पूरी कोशिश करना चाहिए इसी तरह इकामत दिन में एक चीज़ जो है शर्ज जो हदूद हैं ताज़ीरत हैं जो सज़ाएँ अल्लाह ताला ने हदूद की शक्ल में अल्लाह ने मुकर किए हैं उसका नफाज होना चाहिए और ये सिर्फ और सिर्फ जो है हाकिम और अमीर की ज़िम्मेदारी अमीर पर वाजिब है हाकिम पर कि हदूद शरिया को नाफिस करें जो मुख्तलिफ़ सज़ाएँ मुजरमों के सिलसिले में अल्लाह ताली ने और बहुत सारे गुनाहों के सदेबाप के लिए जो हदूद अल्लाह ने मुकर किए हैं उन हदूद को जो है नाफज करें चोरी कोई करता है हद को पहुँचता है वो माल तो उसके हाथ उसका हाथ काटा जाए जिसकी वजाहत कुरान हदीस में बयान की गई है हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया और इसी तरह जना के सिलसिले में और खिसास के सिलसिले में जो भी हदूद हैं उन हदूद को जो है नाफिस करना ये ज़रूरी है हाकिम पर अमीर पर शेख उम्मनिया रम्मत कहते हैं वहीामहदूद उमूर आपकी मशहूर कितब फिल इस्लाम सफ़ा नंबर पचपन में आपने ज़िक्र किया है फरमाते हैं कि हदूद का नफाज हुक्मरानों के ज़िम्मे वाजिब जो हकीम होगा अमीर होगा उसको नाफिस करना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ अकामत दीन में ये आती है कि दीन की तालीमात इस्लामी जो तालीमात हैं रब का जो पैगाम है पूरी इंसानियत जहाँ तक वो पहुँचा सकता है इस दीन की तबलीग करें इस दीन की दावत को आम करें जैसा अल्लाह के नबी साहब ने किया सिर्फ मुल्क की सतह पर नहीं बल्कि आलमी सतह पर आलमी सतह पर जो है इस दीन को पहुँचाने की कोशिश करें और आज देखिए माशाल्लाह जो जदीद आलत हैं इसका इस्तेमाल करके हम बसानी जो है घर बैठे भी हम इस दीनी तलीमत को पहुंचा सकते हैं इतनी आसानी अल्लाह ताला ने की है तो इन वसाइल का इस्तेमाल करके कोशिश करें ऐसे अफराद को मुकर करें जो इस दीन का काम कर सकें अल्लाह के नबी सा ने किया हदेय बिया के बाद जो है सुलहदिया के बाद देखें मख्तलिफ मालिक सरबराहानों को अल्लाह के नबी वसल्लम ने जो है दावत नामे अल्लाह के नबी खतूत भेजे दीन की तालीम दी दी इस्लाम कबूल करने पर उभारा और अल्लाह के दीन आपने पहुँचाया और इसी तरह आस पास के जो इलाक़े थे अल्लाह के नबीम ने मुख्तफ़ कराम की एक टीम आपने तैयार की थी जिनको जो है दावत तबली इरसाद के लिए वादो नसीहत के लिए आप कबाइल और कौमों की तरफ़ प्यारे नबी सास ने रवाना किया ज़िम्मेदारी हाकिम की इसी तरह इकाम दीन में ये भी है कि हैं कि देखिए जो ग़ैर मुस्लिम हुकूमतें दीन की राह में रुकावट पैदा करते हैं अल्लाह के दीन को पहुँचाने के सिलसिले में रुकावट बनते हैं अल्लाह के ज़मीन पर फसाद मचाते हैं अल्लाह के बंदों पर जो है बेजा तशद और म का मुदाहरा करते हैं इन तमाम सूरतों में हाकिम की मेदारी हैं कि उनके ख़िलाफ़ उनको रोकने के लिए कार्रवाई करें जैसे अल्लाह के नबी सा ने किया था आपने खिताल किया उनका मुकाबला किया उनको रोका इसलिए नहीं किया कि इस्लाम किसी का दुश्मन नहीं है इस्लाम अमन व सलामती का दीन है जो रुकावट बनते हैं उनको पहले नसीहत की जाएगी बताया जाएगा अगर वो रुकावट बनते हैं जुल्म करते हैं लोगों पर तो उसका दिफा करने के लिए इस्लाम ने कताल की इजाज़त दी है जैसा कि अल्लाह के नबी सासम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में आपने किया इस जिम्मेदारी को आपने निभाया आपके बाद खलफ़ा राशिदीन ने और दीगर साहबा कराम ने और इस दीन के और साहबा के मनहज पर चलने वाले हर दौर में आज तक भी अल्हम्दुलिल्लाह जो भी फरीदा हैं लोग अंजाम दे रहे हैं हसब इस आज वो जंग का मामला तो नहीं है आज ख़लम, जबान जबान का सही इस्तेमाल हम करें खलम का सही इस्तेमाल करके इस दिन को आम करें और दौरे जदीद के जो भी आलत हैं उसके हिसाब से जो है हम दावती काम करें और जहाँ पर ख़िताल की जरूरत है जंग की जरूरत है मुस्लिम हुक्मरान की वो जिम्मेदारी है बड़े उलमा बैठेंगे बात करेंगे किस तरह वो फैसला होगा लोग वो फैसला जो है हाकिम लेगा अमीर लेगा हर एक के बस की ये बात नहीं है हर एक को करना नहीं है जैसे आज बाज़ नौजवान जज्बे में आकर बेजा जो है जज्बा है लोगों के अंदर दीन का जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं जो नहीं करना चाहिए जो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती वो जो है करते हैं तो अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए यह हाकिम की ज़िम्मेदारी है अमीर की ज़िम्मेदारी है इसी तरह पाँचवीं चीज़ एक इकाम, दिन में ये भी शामिल हैं कि गुमराहाना जो भी अफकार नजरियात हैं गुमराह जो भी अफकार नजरियात के हामिलीन हैं उनके खिलाफ़ जद करें और ये जद्दोजहद ज़ैं चाहे दावत वर्शाद के साथ हो या ताकत ववत का इस्तेमाल जहाँ ताकत ववत का इस्तेमाल करना ज़रूरी है पावर का इस्तेमाल करें और जहाँ दावत तबली, इरशाद, नसीहत वादो नसीहत के ज़रिए मुमकिन है वहाँ उसका भी इस्तेमाल करें साहबा ने किया अबू बकर रौदील्ल्ल् तन ने अपने दौर खिलाफत में अब्दुल्लाब्स रौदील्लाह को जहाँ ख़ारिश के अक़ायद नज़रियात की तरदीद के लिए मुनाजरे की इजाज़त दी इसी तरह जहाँ ताकत पवर का इस्तेमाल अबू बकरी ने मानी ने ज़क़वात के ख़िलाफ़ किया मुरतदीन के ख़िलाफ़ आपने एक्शन लिया इसी तरह रदील तनों ने ख़वारी जो वाद व नसीहत मुनादरे के बाद भी डट गए थे अपने फ़िक्र पर गुमराह फ़िक्र पर तो आपने उनके साथ नहरवान नामी इलाक़े में आपने खिताल भी किया खिताल किया उनका खातिमा किया तो ज़रूरत इमाम हाकिम जो हैं ताकतवत का भी इस्तेमाल करेगा इसी तरह दावत व इरशाद वाद व नसीहत के पहलुओं को भी जो अपनाएगा दूसरी बात जो मैंने बताई थी सियासत मदम तो एक तो इकाम दीन है उसकी शक्कल सूरत दूसरा सियासत मदन है इससे मुराद ये हैं ज़िक्र किया है कि लोगों की रियाया की फलाह व बहबूद उनकी तमीर व तरक्की इंसाफ और इसी तरह दिफा व मुल्की इसकाम वगैरह से ताल्लुक़ रखने वाले मामलों में हाकी में वक्त जो है मुसबत अंदाज में काम करें और इस सिलसिले में बहुत सारी बातें ामा ने जिक्र की हैं मुख्तर ये पहली चीज़ जो है इसमें सियासत मदन में दिफा ममलकत जिस ममलखत का वो अमीर हैं, हाकिम हैं उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उनके तहफु और उनके दिफा के सिलसिले में पूरी तवज्जो दें और मदनी रियासत के दिफा और दिवज के लिए देखिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना मनवरा आप आए हजरत करके तो आपने जो है मदीने की हिफाजत के लिए वहाँ के रहने वाले अनसार से भी वहादा कियासार ने पहले तो अदा कर दिया था उसके उनके अलावा ये तो मुसलमान थे मुसलमानों के अलावा अल्लाह के नबीम ने वहाँ रहने वाले यहूदियों के साथ अहदोपान किया मदीने की हिफाजत की पूरी तो उस पर तवज्जो दी और यहूदियों के साथ अहदोपान प्यार नबीसम ने किया है तो आमी, अमीर व हाकिम के लिए ज़रूरी हैं हालात की मुनासबत से हर मुमकिन इकदाम करें और इस मकसद के लिए जो है फौज का क़ियाम होना चाहिए इस्लामी फौज का क़याम जदीद असलह की फ्राहमी तैयारी और सरहदों की निगरानी दुश्मन की जासूसी वगैरह तमाम अमूर शामिल है अल्लाह के नबी सा की ज़िंदगी में इसकी वाजे दलाइल हमें मिलते हैं दूसरी चीज़ जो हैदलानसाफ़ की फराहमी और जुल्म का खातिमा सियासत मदन में दूसरी बात जो नेिक्र की है किदलानसाफ़ को फरोग दें आपको अमीर बनाया गया हाकिम लोगों के दरमियान इंसाफ़ करें आप और इसी तरह जो ओ रहा है लोगों पर उसके खिलाफ खुद ाल बने बल्कि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा हो तो इस सिलसिले में ये ज़रूरी है कि इस पहलू को मद मद नज़र रखी इस पर खसूसी तोज्जो दें और प्यारे नबी ने सही बुखारी दिगर कुतुब हदीस की महूर रवायत सब आतन दिल्ल फिर दिल्ली ही योमला दिल्ला दिल्लमत के दिन अरश अल्लाह ताली की अरश रिवायतों में खुद अल्लाह अपने साए में जिन खुश नसीब लोगों को अल्लाह सया अल्ला फ़रमाएगा उनमें कौन है सबसे पहले का इमाम आदिल इमाम आदिल कहा गया इंसाफ़ करने वाला अमीर हाकिम अल्लाह अकबर सबसे पहले नंबर पर अल्लाह के नबी सास ने जिक्र किया इंसाफ़ करना चाहिए इंसाफ करने वाले अल्लाह ताला के साया उनको नसीब होगा और खसूस जो है उनको फजीलतें अजर सवाब जो है अल्लाह ताला उन से नवाजेंगे और जो लोग इंसाफ़ नहीं करते जुल्म करते हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त वईदे भी आई हैं बाद रिवायतों में कि जो जिसको अल्लाह ताली अमीर बनाएं हाकिम बनाएँ और उनके साथ इंसाफ का मामला ना करें उनके हकूक़ अदा ना करें जहन्नम की जो है सख्त वईद सुनाई गई और इसी तरह देखिए सियासत मदन में उलमा ने इस बात का भी ज़िक्र किया है कि तदबीरी व तंजीमी अहकाम और तमीर और, और तरक्की इससे मुराद वो तमाम अमूर हैं जिन्हें तामीर और तरक्की और कामयाबी खुशहाली के लिए हालात की मुनासबत से जो है मद्द रखा जाता है और उसके लिए शरीय में अगर हम गौर करें म, मजमू असूल तो नहीं बताए गए हैं हाँ अलबतः हाँ मजमू इज्तमाही शिल में जो है ओल कुछ जवाब बताए गए लेकिन फर्द फर्द हर काम के लिए कैसा होना चाहिए तदबीर उमूर हर एक के लिए इसमें नहीं बताया गया अलबतः इन असूली हिदायत के तहत जजवी या तदबीरी अहकाम को हालात और मौका और महल के मुनासबों से जो है इख्तियार किया जा सकता है या उनको तर्क किया जा सकता है तो जो भी तदबीरी उमूर हैं तंजीमी अहकाम हैं तमीर और तरक्की ममलखत की रियाया की तो उसमें हाकिम अमीर के लिए ज़रूरी हैं कि जो भी कर सकता है जो भी तरक्की के काम हो सकते हैं तमीरी काम उसमें पूरी तवज्जो दें और ऐसे अफराद का सहारा लें जो उस फील्ड के जो है मुनासिब हों ये चंद बातें अहम थी जो हाकिम या अमीर के फ़रज़ में जो है शामिल हैं इसका ने अपनी किताबों में जिक्र किया है दुआ है रबालमीन से कि अल्लाह ताला हम तमाम को सही मानों में जो भी बातें हमने सुनी हैं समझने की अल्लाह तोफ़ी फ़रमाएँ और जिसको जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने दी है कमहको निभाने की सदत लानी फरमाएँ आमी सामी और मालीनाबलमबी अल्लाम आलैकम वहम्त ला वरकू